नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बड़ी अपडेट के साथ स्वागत है। तो राजस्थान की जो आरएस की भर्ती थी वो एक बार फिर से विवादों में चली गई है और जो नेताओं के बीच में इसको लेकर काफ़ी घमासान मचा हुआ है। तो इसकी पूरी अपडेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्या है पूरी खबर। और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर एकदम फ्रूफ के साथ में और सबसे पहले है लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर मिलती रहती है। तो आपको जिसे नीचे जो रेड आइकन का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, और आगे भी इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो क्या है पूरा मामला, मैं आपको पूरी अपडेट दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो आरएस भर्ती 2018 का मामला है ये। तो आरएस भर्ती में चयन और मनमाफिक अंक दिलाने के नाम पर रिश्वत का जो भंडाफोड़ है वह हुआ है आज। आज जयपुर एसीबी की टीम ने आरपीएससी के कनिष्ठ लेखाकार को किया है ट्रैप। एसीबी ने बांदीकुई निवासी सज्जन सिंह गुर्जर को रंगे हाथों किया है गिरफ्तार। 1 लाख की नकदी और 22 लाख की डमी करेंसी लेते हुए रंगे हाथ ये पकड़ा गया है। तो इसके साथ ही प्रदेश में एसीबी ने पहली बार ऐसा किया है जो शानदार प्रयोग रहा है। पहली बार जो बच्चों के खेलने वाले पैसों के जरिए बड़े घुसखोर गहने ट्रैप किया जा रहा है। और सज्जन गुर्जर ने आरएस में चयनित करवाने के लिए मांगी थी 23 लाख की रिश्वत, लेकिन परिवादी के पास रिश्वत देने के लिए नहीं थी इतनी बड़ी राशि। तो एसीबी ने परिवारवादी को 22 लाख के मनोरंजन बैंक वाले नोट करवा कर जो करवाए हैं उपलब्ध। और एसीबी की कार्रवाई के बाद आरपीएससी में मचा हड़कंप और आरपीएससी चेयरमैन समेत आयोग सदस्य और अधिकारी नहीं उठा रहे हैं फ़ोन। तो आप देख सकते हैं जो आरएस सबसे बड़ा राजस्थान का अधिकारी होता है, लेकिन वही सबसे बड़ा जो घपला चोर है वो कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी जो है आपके लिए खबर आ गई है। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है इन जालसाजों से बच कर रहें। यदि आप भी इसी किसी प्रकार की समस्या में हैं तो आप जो है सरकार की नहीं तो कम से कम पुलिस की तो मदद ले ही ना, क्योंकि आपको क्या पता अपना जो विश्वास है आपका जीत जाए और आपको इस जो जंजाल है उससे बाहर निकाल सके। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करना और आगे भी अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं कौन नई वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।